एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुहर्रम को लेकर इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट पर है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर की कयादत में फ्लैग मार्च किया गया। बारिश के बावजूद सड़क पर उतरे पुलिस अहलकार। नोएडा की खबर है, इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा में लगातार फ्लैग मार्च किया गया। मुहर्रम की 10 तारीख है। आज जिस तरह से करबला का रुख किया जाएगा, ताजिया लेकर लोग जुलूस के जरिए निकलते हुए सड़कों पर नजर आएंगे, और इसी वजह से इंतजामिया की पूरी कोशिश है कि किसी तरह की कोई अनबन देखने को ना मिले। नोएडा में पुलिस फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। शदीद बारिश के सबब भी पुलिस अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखाई दी। नोएडा की तस्वीरें, और इस वक्त मोहम्मद शकील जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करते। मोहम्मद शकील, मुहर्रम को लेकर कई तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ा ऐलान यह हुआ कि छुट्टियां रद्द कर दी गई, आज स्कूल जाना होगा सभी बच्चों को। बिल्कुल इरम, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए बच्चों की छुट्टियां जरूर मुहर्रम के दिन रद्द कर दी गई है, लेकिन मुहर्रम का त्योहार बड़ी सादगी के साथ जो है मनाया जा रहा है। ताजियों को आज से पुरदे खास किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए छुट्टियां जो रद्द कर दी गई हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इसके अलग मायने निकाल सकते हैं, क्योंकि आज इतना बड़ा मुस्लिम समाज के लोगों का जो त्योहार है, इस्लाम में बड़ा महत्व माना जाता है, गर्मी का त्योहार है, और सभी छोटे बड़े बच्चे इस त्योहार को एक साथ बैठ के सादगी के साथ मनाते हैं, शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अमन सुकून शांति के लिए जो है शहादत दी, और जो है कह सकते हैं कि बातिल को हराया शहादत देने के बाद। तो इस ऐसे मौके पर अगर छुट्टी रद्द कर दी जाएगी तो एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं मोदी सरकार या योगी सरकार की तरफ से इनके खिलाफ खड़ा होगा, मुस्लिम समाज की तरफ से, कि आज के दिन छुट्टी रद्द करना बड़ा ही गलत माना जा सकता है। लेकिन मोदी का जो कार्यक्रम है वो शिक्षा को लेकर है, और छुट्टी रद्द करने से कह सकते हैं कि राजनीतिक कोई ना कोई इसमें अपडेट आपको देखने को जरूर मिलेगा। जो पार्टियां विपक्षी पार्टियां हैं वो